सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसे आपको कभी भी नहीं करना है। जी हाँ, अगर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं या फिर आप यूट्यूब से कमाई करते हैं, तो आपको इन गलतियों को कभी भी नहीं करना चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जी हाँ, चलिए आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में कि आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ ही साथ उसके बगल की घंटी को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो आपको कभी भी नहीं करना है। सबसे पहली बात, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर अगर मोनेटाइज नहीं भी है तो आपको कभी भी किसी दूसरे के वीडियो को यूज नहीं करना है। यहां तक कि आप जो है कुछ सेकेंड के वीडियो भी जो है आप यूज नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मान के चले कि आपने किसी के दूसरे के वीडियो को यूज किया, चाहे वो कुछ भी सेकंड का हो, वो वीडियो जिस पर्सन का है अगर वो उस वीडियो को देख लेता है और उस वीडियो में रिपोर्ट कर देता है तो उससे आपको कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। और आपको पता होगा कि हर एक यूट्यूबर के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक कितना खतरनाक होता है। तो अगर आप कॉपीराइट स्ट्राइक से बचकर रहना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी के दूसरे के वीडियो को यूज मत करिए। अगर आपको कुछ सेकंड्स के वीडियो यूज करना है, कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आप पिक्सबे या फिर पिक्सल्स की वेबसाइट से आप इन छोटी छोटी वीडियो को ले सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे पर्सन का वीडियो कभी भी यूज मत कीजिए। इससे आपको आगे चलकर जो है आपको लॉस हो सकता है और आपको एक बहुत ही बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये पहली गलती थी कि आपको किसी दूसरे की चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है, इससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। अब यहां पर जानते हैं हम दूसरी गलती के बारे में। दूसरी गलती, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि व्यूज के लालच में, ठीक है, व्यूज के लालच में क्या करते हैं कि वीडियो में, ठीक है, वीडियो में कुछ और बताते हैं और थंबनेल में कुछ और डालते हैं या फिर टाइटल में कुछ और डालते हैं, जिसे हम मिसलीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपका वीडियो का टाइटल और आपका वीडियो का थंबनेल तीनों एक ही तरह से होना चाहिए। अदरवाइज YouTube को किसी भी तरह से पता चल जाता है कि अगर आप जो है मिसलीडिंग कर रहे हैं, मिसलीडिंग कंटेंट आप डाल रहे हैं, तो इससे आपको आगे चलकर YouTube की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक का भी सामना करना पड़ सकता है और इसके कारण आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दूसरी गलती थी। अब आप जानते हैं तीसरी गलती के बारे में। दोस्तों, तीसरी गलती है कि कुछ लोग व्यूज के लालच में अपनी टॉपिक यानी कि अपनी कैटेगरी को ही चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको कभी नहीं करना है। इससे आपको एक बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप मान के चले कि आप एक टेक्नोलॉजी कैटेगरी का यूट्यूबर हो और आप कई दिनों से टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रहे हो, लेकिन अचानक से कोई ऐसा टॉपिक आया जो खूब ज्यादा वायरल है, लेकिन वो टॉपिक कुछ अलग है यानी कि डिफरेंट है, जो टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा डिफरेंट है, और आपने व्यूज के लालच में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लिया, तो इससे आपको जो है बहुत ही बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। यानी कि आपके चैनल पर जो ऑडियंस है यानी कि जो व्यूअर्स हैं आपके, वो टेक्नोलॉजी कैटेगरी का वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन आपने व्यूज के लालच में दूसरी कैटेगरी की वीडियो उसमें डाली, जिसके कारण उस वीडियो में आपका कुछ भी व्यूज नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो बाहरी जो है व्यूअर्स होंगे, जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, वो जो है आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, तो इससे आपके चैनल का जो रीच है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और इससे आपको धीरे धीरे जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपके चैनल का जो डेटा है, जो एनालिटिक्स है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है। सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहे हैं, व्यूज डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि चैनल का जो एनालिटिक्स का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली नीचे की ओर जा रहा है। इससे आपको एक बहुत ही बड़ा नुकसान होगा।
ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको व्यूज के लालच में कभी भी अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं करना है, इससे आपके व्यूवर्स पर काफी ज्यादा जो है प्रभाव पड़ता है और आपके चैनल पर भी एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है जिससे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। चलिए ये जानते हैं अगली गलती के बारे में। जी हाँ, तो हमारा चौथा जो गलती है वो ये है कि हम कई बार क्या करते हैं कि एक ही टॉपिक की वीडियो जो है कई बार डाल देते हैं, लेकिन आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एक ही टॉपिक की वीडियो अगर आप लगातार डालेंगे तो ये जो है रिपीटेड कंटेंट के अकॉर्डिंग आता है और रिपीटेड कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका चैनल डीमोनेटाइज भी किया जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों का जो वीडियो वायरल होता है उसी टॉपिक पर वो जो है दो बार तीन बार चार बार वीडियो बना लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आपका चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। या फिर अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं भी हुआ है तो वो शायद जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस समय रिपीटेड कंटेंट के कारण आपका जो है मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको तमाम ऐसी गलतियों के बारे में बताया जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे आपके चैनल पर एक बहुत ही बड़ा जो है इफेक्ट पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो प्लीज आप इन गलतियों से बचे रहिए, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं और अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज हो चुका है तो आपको पता होगा कि एक चैनल को मोनेटाइज करने में कितना ज्यादा मेहनत, यानी कि कितना ज्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद ही हम अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाते हैं। तो अगर आपको पता है कि कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है तो आप खुद ऐसी गलतियों को करने से बचिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और आप फ्यूचर में यूट्यूब के साथ बने रहोगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।